नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में एक बार दोबारा से आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज के अपने लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उद्देश्य के जो है फैक्चुअल पॉइंट्स पर। चूंकि अपने जो है पिछले चार लेक्चर में हमने डिटेल्ड अध्ययन जो है कर लिया है, अब जो है आता है जो है कि उद्देश्य का जो है समरी जो है इसका जो है कौन कौन सा इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है जो एग्जाम में अक्सर करके जो है पूछा जाता है। ये जो लेक्चर हम मनाने जा रहे हैं, चाहे आप आईएएस एग्जाम दे रहे हो, चाहे पीसीएस दे रहे हो, चाहे अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं, सीडीएस दे रहे हैं, एनडीए दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, नेट का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी जो है एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, तो जो आज जो है हम फैक्ट जो है डिस्कस करने जा रहे हैं वह जो है फैक्ट जो है आपके लिए जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटेल्ड अध्ययन के लिए आप जो है हमारे पोलिटी के जो है प्रीएम्बल पे जो है चार लेक्चर दिया गया है उसको जो है आप जो है देख सकते हैं, जहां से जो है आपकी जो है एक सोच जो है एक जो है आइडिया जो है आपके अंदर जो है जनरेट होगा। तो आइए जो है प्रीएम्बल अर्थात उद्देश्य पे आज जो है हम सिर्फ जो है फैक्ट पे जो है बात करेंगे, और फैक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है। आइए शुरुआत करते हैं। पहला फैक्ट है, सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में जो है प्रस्तावना को जो है सम्मिलित किया गया था। पूरे दुनिया के संविधान में सबसे पहला जो है संविधान अमेरिका का है, इसके बाद जो है उससे प्रेरित होकर दुनिया के और संविधानों में जो है प्रस्तावना जो है शामिल किया गया। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में निहित भावनाएं उद्देश्य प्रस्ताव ये जो है ऑस्ट्रेलिया के जो है संविधान से जो है प्रेरित है, जो इसकी निहित भावनाएं हैं। तीसरा जो है फैक्ट है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। चौथा फैक्ट जो है इसका है, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, स्वीकृत कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा। तो डेट याद रखिए 22 जनवरी 1947। पांचवा फैक्ट जो है आता है, इनरी बेरुबारी केस में उद्देश्य को जो है उच्चतम न्यायालय ने संविधान का हिस्सा नहीं माना, और ये जो है केस कब का है, 1960 का। ये इसी केस में जो है इसका जो है पॉइंट है कि जहां संविधान की जो है भाषा जो है संदिग्ध हो वहां पर ये जो है संविधान निर्माताओं के विचारों को जो है जानने का जो है क्या है एक तरीक, इसके द्वारा एक आइडिया मिलता है। संविधान निर्माताओं के जो है विचारों को जो है जानने की जो है ये कुंजी है, ये इनरी बेरुबारी जो है केस में ये डिसीजन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आइए जो है अगला जो है फैक्ट जो है पढ़ते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केशवानंद भारती का केस 1973 में आया, इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने ही डिसीजन को जो है बदल दिया। पहले जो है डिसीजन दिया था इनरी बेरुबारी में यह संविधान का हिस्सा नहीं है, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने ही डिसीजन को जो है बदल दिया और ये कह दिया कि उद्देश्य जो है संविधान का जो है हिस्सा, अभिन्न जो है हिस्सा है। अब इसके बाद इस जो है केशवानंद भारती केस के अनुसार महत्वपूर्ण जो है पॉइंट जो है क्या है, उद्देश्य का संविधान का जो है अभिन्न अंग है, पहला पॉइंट इसका सब डिवीजन कैटेगरी हम कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट में है, उद्देश्य में जो है संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि अगर संविधान का हिस्सा नहीं होता तो संशोधन नहीं हो सकता। 73 में जो है फैसला आ गया कि इसमें जो है ये संविधान का हिस्सा है, इसलिए जो है इसमें संशोधन हो सकता है। थर्ड जो है पॉइंट है, उद्देश्य जो है न्याय योग्य नहीं है। अगला जो है पॉइंट जो है हम डिस्कस करते हैं फैक्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा
याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया, 1976 में, 1976 में। संविधान में जो है तीन शब्द जोड़े गए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कई बार ये जो है प्रश्न पूछा गया है, इसलिए आईएएस के लेवल पे, पीसीएस के लेवल पे, और जो है एग्जाम के जो है टेस्ट से, ये जो है पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगला जो मेरा लेक्चर होगा प्रीएम्बल पे, वो जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन पे डिस्कशन का होगा, क्योंकि हम अपने जो है पॉलिटी के लेक्चर में पहले जो है डिटेल्ड अध्ययन कर रहे हैं, इसके बाद जो है मैंने समरी बनाया, समरी बना रहे हैं जो फैक्चुअल है, और इसके पहले के लेक्चर कॉन्सेप्चुअल है, और इसके बाद जब हम अध्ययन का जो है एक एक जो है फेज करके देखते हैं, तो लास्ट स्टेप आता है कौन सा, क्वेश्चन जो है हल करने का। क्योंकि जब तक आप जो है क्वेश्चन जो है नहीं हल करेंगे, तब तक जो है आप ये नहीं समझ पाएंगे कि किस तरीके के जो है क्वेश्चन बनते हैं, कहां हमारा जो है अभी अध्ययन जो है कम है, जिसको जो है अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो आइए बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जो है तीन शब्द जोड़े गए, शब्द जो है कौन कौन से हैं, इसको जो है आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। समाजवादी शब्द है पहला शब्द, ठीक है, सोशियलिज्म। इसके बाद है पंथ निरपेक्ष, सेकंड जो है शब्द है, और तीसरा शब्द है और अखंडता। तो तीनों शब्द याद क्रम से कीजिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये जो है शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे जो है उद्देश्या में, प्रीएम्बल में जोड़े गए। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों कि उद्देश्या पर किसका किसका जो है क्या कथन है। अब आइए, प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ एन ए पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, आइडेंटिटी कार्ड कहा है, परिचय पत्र यह है संविधान का। इसके बाद जो है न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने जो है क्या कहा है उद्देश्य क्या, उद्देश्य क्या पे, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देश्य को जो है संविधान की मूल आत्मा कहा है। तीसरा जो है देखते हैं कि और जो है कौन जो है क्या कहा है, के एम मुंशी ने उद्देश्य को राजनीतिक जनपत्ति की जो है संज्ञा दी है, उपमा दी है। अब आइए चौथा जो है देखते हैं कि सुभाष कश्यप ने जो है क्या कहा है उद्देश्य के विषय में, इनका कथन है कि अगर संविधान जो है शरीर है तो उद्देश्य क्या जो है उसकी क्या है, आत्मा है। अगर उद्देश्य क्या जो है आधारशिला है तो संविधान उस पर जो है खड़ी अट्टालिका है, पूरी बिल्डिंग है। ये जो मतलब उद्देश्य क्या के ऊपर स्टेटमेंट कहे गए हैं, कई बार एग्जाम में ये स्टेटमेंट दे दिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि स्टेटमेंट जो है किसने दिया है। आइए अब जो है और जो है बात करते हैं कि और कौन सा पॉइंट है। जैसे संविधान में जो है तीन न्याय की बात हुई है, और तीन न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। तो आप ये याद रखिएगा संविधान की उद्देश्या में तीन न्याय की जो है बात कही गई है, पांच जो है स्वतंत्रता की बात कही गई है, इसको भी जो है आप याद रखिए कि पांच जो है फ्रीडम की जो है बात की गई है। और अगला जो है उद्देश्य में जो है और क्या बात की गई है कि हमारा संविधान
26 नवंबर 1949 को जो है बनके तैयार हुआ। लास्ट में जो है संविधान के प्रीएम्बल में ये लिखा गया है कि 26 नवंबर 1949 को। अब इसके बाद जो है जो 26 नवंबर 1949 है जिस दिन संविधान बन के तैयार हुआ, 26 नवंबर को जो है प्रत्येक वर्ष जो है विधि दिवस के जो है रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आप जो है प्रीएम्बल को जो है एकदम याद कर लीजिए, कई बार जो है इनके शब्द को जो है क्रम वाइज जो है बिखरा के दे दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका जो है आर्डर जो है क्या होगा, क्रम क्या होगा। तो दोस्तों आज के लेक्चर में मैंने संविधान के जो है संविधान की उद्देश्यता पे जो है फैक्चुअल जो है चर्चा की है, और फैक्चुअल जो है चर्चा ये आपके जो है एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि आपको जो है हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है, मेरा वीडियो मेरा लेक्चर ये यदि आपको जो है पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पर जो है कमेंट अवश्य कीजिए। और यदि आप अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका अपडेट आपको जो है तुरंत मिलता रहे। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम अपना यही समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम आपसे दोबारा क्वेश्चन की चर्चा पे जो है मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।